जी हाँ, फाइनली फिल्म देवरा देखने को मिलने वाली है। NTR 30 का नाम फाइनली तय हो गया है। फिल्म का नाम है देवरा और मज़ा आ जाने वाला है। फिल्म अगर आप देखें तो फर्स्ट लुक पोस्टर जो दिया गया है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। उसमें उनका लुक अगर आप देखें एकदम, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं चट्टान के पास और वो वहाँ पर पानी गिर रहा है और वो बिल्कुल उसको ब्लड लगा हुआ है उनके हथियार में, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा RRR के वाले उनके कैरेक्टर की भी याद दिला रहा है। उसमें भी वो ऐसे भाला टाइप का चलाते हुए हमको दिखे हैं उसके अंदर, तो वो सारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रिवाइंड हो रहा है। हालांकि ये फिल्म थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ा डार्क शेड का ही पोस्टर भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात की जाए फिल्म की, तो NTR 30 की इस फिल्म देवरा के अंदर हमको सैफ अली खान भी देखने को मिलने वाले हैं, और साथ में बात की जाए तो फीमेल लीड की बात की जाए तो हमें जाह्नवी कपूर देखने को मिल रही है। हालांकि ये कास्टिंग बस मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है जाह्नवी कपूर वाली, यार उसके लेकर मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। जाह्नवी कपूर इस फिल्म के अंदर है फीमेल लीड के रूप में इस वजह से, लेकिन फिर भी कोई और एक्ट्रेस होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता, कोई बेहतर एक्ट्रेस के रूप में होती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, मैं कहा उसका फैसला उनका फैसला है। जहाँ तक बात की जाए फर्स्ट लुक पोस्टर की, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऑडियंस के अंदर एक तरह से क्रेज़ पैदा करने वाला पोस्टर है और ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करने वाला पोस्टर है, क्यूरोसिटी पैदा करने वाला पोस्टर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। सैफ अली खान भी फिल्म के अंदर होंगे, मज़ा आएगा, कुछ बढ़िया सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा उनका भी बेहतरीन तरीके से। और फिल्म से उम्मीद है कहीं ना कहीं, हालांकि फिल्म को आने में काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त है, फिल्म जो है अगले साल देखने को मिलेगा, 5 अप्रैल 2024 में, तो बहुत ही लंबा वक्त है। अभी तो फिल्म के ऊपर काम ही चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। हम सभी जानते हैं NTR 30 है ये, उसका NTR 31 जो है हम सभी जानते हैं कि वो फिल्म NTR की जो है वो प्रशांत नील के साथ होने वाली है, KGF यूनिवर्स वाली फिल्म होगी। तो मज़ा आ जाएगा, एक के बाद एक NTR की बढ़िया से बढ़िया फिल्में देखने को मिलने वाली है। फाइनली इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जल्दी हमें और भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल चीज़ें देखने को मिलने वाली फिल्म देवरा से।